हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। तो जी हां, आईपीएल के रिटेंशन की जो लिस्ट थी कल रात में 9:30 बजे तो आ गई, लेकिन अब सवाल ये है, आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा और मेरे मन में भी यही चल रहा होगा कि किस टीम के पास पर्स में कितने पैसे बचे हैं। तो सबसे पहले जो इसका पर्स का जो सिस्टम है, मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ कि किस खिलाड़ी को आप कितने रुपए में रिटेन कर सकते थे और क्या पूरे प्रोसेस है। पहला ये है कि अगर आप 4 खिलाड़ी को रिटेन करते हैं तो पहले प्लेयर के लिए आपको 16 करोड़, दूसरे के लिए 12 करोड़, तीसरे के लिए 8 करोड़ और चौथे प्लेयर के लिए 6 करोड़ रुपए आपके पास थे। अगर आप सिर्फ 3 प्लेयर को रिटेन करते हैं तो आपके पास पहले खिलाड़ी को देने के लिए 15 करोड़, दूसरे के लिए 11 करोड़ और तीसरे के लिए 7 करोड़। अब बात आती है कि अगर आप सिर्फ किसी कोई टीम अगर सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ही रिटेन करती है तो पहले खिलाड़ी के लिए 14 करोड़ और दूसरे खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए उनके पास। और सिर्फ अगर 1 खिलाड़ी को रिटेन करती है कोई टीम तो उनको 14 करोड़ रुपए में वो रिटेन कर सकती थी। अब बात ये करेंगे कि आखिर अब किस टीम के पर्स में कितने रुपए बचे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस टीम के पर्स में कितने रुपए बचे हैं जिसको लेकर वो आईपीएल 2022 के ऑक्शन में अपने खिलाड़ियों को खरीदेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2022 का मेगा ऑक्शन है उसमें पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा 72 करोड़ रुपए हैं जो वो लेकर अपने पर्स में आईपीएल 2022 के ऑक्शन में उतरेगी, क्योंकि पंजाब ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया है। इसके बाद नंबर आता है सनराइजर्स हैदराबाद का, दूसरे नंबर पे उनके पर्स में 68 करोड़ रुपए बाकी हैं, 68 करोड़ सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में पैसे बाकी हैं। तीसरा नंबर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तीसरे नंबर पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है जिसके पर्स में 57 करोड़ रुपए बाकी हैं। उसके बाद मुंबई, केकेआर और चेन्नई, ये 3 टीमें हैं जिनके पास बराबर के रुपए हैं पर्स में 48 करोड़ रुपए इन तीनों टीम के, मुंबई, केकेआर और चेन्नई के पर्स में हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स के पास 62 करोड़ रुपए हैं, जी हां 62 करोड़ रुपए हैं जिसको लेकर वो मेगा ऑक्शन में उतरेगी। और अब लास्ट जो है वो दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल्स के खाते में सबसे कम यानी 47.5 करोड़ रुपए दिल्ली के पर्स में है जिसे लेकर वो आईपीएल 2022 के ऑक्शन में उतरेगी। तो मैंने पहले ही आपको वो ग्राफ बता दिया था कि किस ग्राफ के अनुसार ये टीमों इन टीमों के पर्स में पैसे बाकी हैं, क्योंकि अगर आप इन जनरल अगर जैसे आप पंजाब के खिलाड़ी की बात करें, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उन 2 खिलाड़ियों के प्राइस को आप जोड़कर 90 करोड़ रुपए से घटाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो आंकड़े हैं वो गर्व बैठ सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है कि वो आंकड़े क्या हैं जिसके लिहाज से इन टीमों के पास जो बाकी पैसे हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो ये थी वो लिस्ट उन 8 टीमों की जिस पैसे को लेकर वो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में उतरेंगी अपने अपने टीम के खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी बात है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें।